है ट्विन साइज़ की एक मैट्रेसेस जो कि हमने हाल ही में आइकिया से परचेज की है, और ए है अमेजोन से ऑर्डर किया हुआ स्टील का बेड फ्रेम। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सबका फिर से मेरी चैनल पर। मैं हूँ जिग्नेश पटेल एंड आप देख रहे हो कनाडा टॉक्स। जब हम यहाँ पे कनाडा में आते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो हम यहाँ पे परचेस करने के लिए जाते हैं वो होता है हमारा बेड एंड मैट्रेसेस। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पे जो मैंने बेड लिया है वो और जो मैट्रेसेस ली है वो आपको दिखाता हूँ। एक्चुअली मेरे पास ऑलरेडी बेड और मैट्रेसेस है, मगर मेरे घर में अगर कोई मेहमान आए या फिर बाहर से कोई आए तो उनके लिए यहाँ पे कोई भी फैसिलिटी नहीं थी, तो इसलिए मैंने एक नया बेड परचेस किया है जो मैंने अमेजोन से ऑर्डर किया है, और एक मैट्रेसेस जो हाल ही में मैं आइकिया से लेके आया हूँ तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो मैट्रेसेस है जो मैंने हाल ही में परचेस की है आइकिया से, अभी ये वैक्यूम है तो इसको हम ओपन करते हैं ताकि इसमें थोड़ी एयर आ जाए और ये कंप्लीट हो जाए। और ये है बेड फ्रेम जो मैंने अमेजोन से ऑर्डर की थी और हाल ही में डिलीवर हुई है, तो इसका हम अनबॉक्सिंग करते हैं और फिर इसको असेंबल करते हैं। एक्चुअली ये जो मैट्रेसेस है इसको जब हम ओपन करेंगे तो इसको कम्प्लीटली फुल्ली फंक्शनल होने के लिए करीबन 12 घंटे लगेंगे। 12 घंटे के बाद हम इसे यूज़ कर सकते हैं, तब तक इसको खोल के हमको यहाँ पे छोड़ देना पड़ेगा। तो ये आइकिया की मैट्रेसेस है जिसको हम अभी अनबॉक्सिंग करते हैं। इसको अनबॉक्सिंग तो नहीं मगर इसको खोल के रखना पड़ेगा क्योंकि ये पूरा वैक्यूम है। मैट्रेसेस ऐसी होती है, अब इसमें एयर फिलअप होगी और फिर ये कंप्लीट होगी, तो हमको 12 घंटे तक ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा, उसके बाद हम इसे यूज कर सकते हैं। अब मैंने जो बताया आपको कि इसको 12 घंटे रखना पड़ेगा, मगर यहाँ पे जो आइकिया का लीफलेट है उसमें लिखा है कि इसको 72 आवर के बाद हम यूज़ कर सकते हैं, मगर एक्चुअली 12 घंटे के बाद हम इसे यूज़ कर सकते हैं क्योंकि मैंने प्रीवियसली बाय की हुई है तो मुझे पता है 12 घंटे के बाद हम इसे यूज़ कर सकते हैं, मगर इसको फुल्ली फंक्शनल होने में 72 आवर लगते हैं। अब हम ये जो अमेजोन से हमने स्टील फ्रेम ऑर्डर किए इसको अनबॉक्सिंग करते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ इसको असेंबल कैसे करते हैं। एक्चुअली ये जो वीडियो है वो थोड़ी DIY टाइप हो जाएगी, मगर यहाँ पे कनाडा में ये सब हमें खुद करना पड़ता है, इंडिया के जैसा नहीं कि यहाँ पे इसके लिए आप किसी को बुला के या फिर उनसे करवा लो, क्योंकि वो यहाँ पे डॉलर में चार्ज लेगा और वो हमें महंगा पड़ेगा। का बेड फ्रेम है जो अभी हमने असेंबल किया है, यहाँ पे अमेजोन से उसके साथ ये असेंबल के लिए एक इंस्ट्रक्शन का कागज भी था, तो इसमें देख देख के हमने असेंबल किया है, और ये साथ में इन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट दिया है कि ताकि अगर फ्यूचर में ये जो बोल्ट है अगर वो डिले हो जाते हैं तो आप इसको ऐसे टाइट कर सकते हो, ये टाइट करने के लिए है। तो अगर आपको फ्यूचर में लगे कि इसको थोड़ा टाइट करना है तो आप इसको लूज या टाइट जो भी करना चाहो आप इससे कर सकते हैं ऐसे। तो इस तरह से हमने इसको असेंबल किया है। यहाँ पे जो भी आइटम अगर हम आइकिया से ले या तो फिर हम अमेजोन से ऑर्डर करें
ऐसे ही बॉक्स में आती है, फिर हमको इसको असेंबल खुद करना पड़ता है। यहाँ पे कोई बंदा नहीं आता है जो हमको असेंबल करके दे। अगर हम सोफा लाए या फिर बेड लाए या फिर कोई भी चीज़ लाए फर्नीचर के रिलेटेड, अगर हम आइकिया से लाते या फिर अमेजोन से ऑर्डर करते हैं, तो ऐसे बॉक्स पैक में आता है, फिर इसको हमें खुद ही असेंबल करना रहता है। और यहाँ पे असेंबल का इंस्ट्रक्शन साथ में ये लोग देते हैं, तो इसको देख देख के आप इजीली इसको असेंबल कर सकते हो। तो ये हमने आइकिया से जो मैट्रेसेस ली थी वो, और जो हमने बेड फ्रेम हमने अमेजोन से ऑर्डर की थी वो, ये मिला के हमने हमारा एक बेड कंप्लीट कर दिया है। तो ये थी आइकिया की मैट्रेस और अमेजोन से ऑर्डर किया हुआ स्टील का बेड फ्रेम। तो ये हमारा एक बेसिक बेड सेटअप हो गया है। ये एक्चुअली ट्विन साइज है। आइकिया से हमने जो मैट्रेसेस ली थी, ये मैट्रेसेस हमको करीबन 149 में पड़ी और टैक्स एक्स्ट्रा, तो वो 166 के आसपास हमारा बिल हुआ। और जो हमने बेड फ्रेम ऑर्डर की थी अमेजोन से, वो करीबन 154 की थी। तो ये पूरा सेट हमारा करीबन 320 के आसपास हुआ, $320 का ये बेड हमारा कंप्लीट हुआ। अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे आ रहे हो, अगर आपको सिंगल बेड की रिक्वायरमेंट है, तो ये एक बेसिक सेटअप है। अगर आपको इससे हाई एंड जाना है, तो हाई एंड भी क्वालिटी मिलती है, मगर ये बेसिक क्वालिटी है। इससे थोड़ी क्वालिटी में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करो, तो इससे भी थोड़ा सस्ता मिल जाता है। ये जो मैट्रेस हमने आइकिया में ली, वो 149 की थी, मगर वहाँ पे आपको $99 वाली भी मैट्रेसेस मिलती है। और ये जो बेड फ्रेम हमने 154 में ऑर्डर की थी, वो बेड फ्रेम आपको 60 या $70 में चाहिए तो वो भी मिल जाते हैं, मगर उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं रहती है। तो एक मिडल रेंज की क्वालिटी है। तो अगर आपको बेड सेटअप करना है जो अच्छी क्वालिटी का हो, तो एक अच्छी क्वालिटी का एक बेड है। अब उन्होंने साथ में एक या दो स्पेयर स्क्रू दिए हैं और एक इंस्ट्रूमेंट दिया है कि अगर आपको फ्यूचर में इसको टाइट या आपको लूज करना है, तो आप इसको लूज भी कर सकते हो। अगर आपको यहाँ से कोई और जगह पे मूव होना है और आपको डीअसेंबल करना है, तो उस वक्त आपको ये काम में आएगा। तो दोस्तों, ये थी बेड एंड मैट्रेसेस की DIY वीडियो। हालांकि ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं थी, मगर यहाँ पे अगर कोई पहली बार आ रहा है, तो उसको कैसे बेड सेटअप करना है, उसकी आपको एक रफली आइडिया मिल सकती है। मेरे पास तो ऐसे दो बेड ऑलरेडी है और एक किंग साइज का बेड है, मगर हमारे अगर यहाँ पे कोई मेहमान आता है, तो उनके लिए कोई सेटअप नहीं था, तो फिर हमने ये मैट्रेसेस और एक बेड एक्स्ट्रा लिया है, ताकि अगर कोई बाहर से आता है और उसको रात यहाँ पे रुकना है, तो वो टाइम पे हमें ये काम आ सके। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो इसको लाइक करना मत भूलना। अब फिर मिलेंगे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। आपका दिन शुभ रहे।